नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव सबसे कठिन एग्जाम पेपर माना जा रहा है और उसी को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी ने मोदी मंत्र अपना लिया है। एक तारीख तक यानी कि मोदी महाराष्ट्र में कम से कम 7 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। उसी का पहला अंक सोलापुर में देखने को मिला है। सोलापुर आरक्षित चुनाव क्षेत्र, बीजेपी ने यहां से गन्ना तोड़ने वाले परिवार राम सतपुते को मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी राम सतपुते के लिए वोट मांगने पहुंचे तो विपक्ष के संविधान बदलने वाले आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया उससे ये सभी कांग्रेस और एनडीए गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और एनडीए गाड़ी वाले बुरी तरफ बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं, मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। सोलापुर में बीजेपी की उम्मीदवार का मुकाबला कांग्रेस की प्रणीति शिंदे से हो रहा है। प्रणीति शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। बीजेपी की बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को पार करने के लिए पीएम मोदी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने तय किया है और प्रयोग भी शुरू कर दिया है, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं कांग्रेस के आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दूं। सोलापुर के बाद पीएम मोदी ने कराड़ में उदयन राजे और हथकंगले के सांसद धैर्यशील माने के लिए प्रचार किया। कलमाड़ा के उम्मीदवार रणजीत निंबालकर का प्रचार करेंगे, जिसके बाद वो धाराशिव जाएंगे और लातूर में सुधाकर श्रृंगारे के लिए प्रचार करेंगे। अभी जो महिला नहीं आगे नहीं आते थे उनको आगे लाने का काम ये मोदी जी ने करा हुआ है। फिर और बचत गट के औरतों को भी भरपूर फायदा दे रहे हैं वो। मोदी जी के लिए तो क्या कहना, ये तो है हमारे भारत का एक गहना, जिन्होंने आके सबका विकास सबके साथ किया है और अभी भी उनकी यही लालसा है कि मैं सबका विकास करूं। कि आप जो बोले हैं वो भर भर के नहीं, ज्यादा भर के देंगे, यही आप आते रहिए हमेशा। और जो विकास गंगा है जो सोलापुर तक आई है ये बढ़ती रहना, पूरा सोलापुर और महाराष्ट्र भारत आपके लिए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी समीकरण बने उसमें कई जगहों पर कड़ा मुकाबला दिख रहा है। अगर उसका मुकाबला करना है तो मोदी मंत्र से अच्छा कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं है। अब देखना ये है कि महाविकास अघाड़ी इसका तोड़ कैसे निकालती है। अभिजीत करांडे, सोलापुर आज तक।